हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के हिंदी 50 मार्क्स का गद्य खंड का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है मंगर, आज हम लोग अच्छे से कंप्लीट करने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट, यहाँ पे जो नोट्स बना हुआ है ये नोट को हम लोग अच्छे से देखेंगे। फिर बाद जाके इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए। और यहाँ पे जो है आगे हम लोग देखेंगे इस चैप्टर का समरी, जो कि अगर हम लोग पढ़ लेते हैं तो ये चैप्टर काफ़ी अच्छे से हमारा जो है आज के इस वीडियो में कंप्लीट ही हो जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे नोट से। तो सबसे पहले हम लोग नोट की तरफ चलते हैं और नोट पढ़ने के बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे पहले देख लेते हैं कि इस चैप्टर में आखिर है क्या। तो सबसे पहले एक साइड हम लोग ले लेते हैं राम वृक्ष वेणीपुरी जी को, और दूसरे साइड ले लेते हैं मंगर को, एक तरफ मंगर को ले लेते हैं। तो ये जो है राम वृक्ष बेनीपुरी जी, इस पाठ यानी मंगर का लेखक भी हैं। और जाके ये मंगर कौन है, मंगर जो है एक हलवा है, मतलब जो हल चलाता है। और ये जो है राम वृक्ष बेनीपुरी जी की यहाँ मजदूरी करता है और यहाँ पे ही रहता है राम वृक्ष बेनीपुरी जी के घर पे ही। तो उसके बाद जो है इस चैप्टर में क्या होती है, ये जो है मंगर हमेशा जो है भगवा कपड़ा लपेटे रहता है और ये काफ़ी अच्छा मजदूर था, काफ़ी मेहनती था, राम वृक्ष बेनीपुरी जी को काफ़ी प्यार करता था। और साथ में यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये सारे नोट अब अच्छे से आप लोग को समझ में भी आ जाएगी। सबसे पहले आप लोग को स्टार्टिंग में ही बता दिए कि राम वृक्ष बेनीपुरी जी इस पाठ के लेखक है। पहला नोट हमारा यहाँ पे क्या है, चलिए देखते हैं। पहला नोट हम लोग स्टार्ट करते हैं, ये है हमारा पहला नोट, मंगर के लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी जी हैं। दूसरा यहाँ पे क्या है, राम वृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म मुंगेर जिला में 1902 ईस्वी में हुआ। कहाँ हुआ था, मुंगेर जिला में, मुंगेर जिला, और यहाँ पे 1902 ईस्वी में, मतलब 1902 ईस्वी मतलब देश उस समय आज़ाद नहीं था, भारत उस समय आज़ाद नहीं था, तो मतलब ये आज़ादी की पहले ही इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, मुंगेर जिला में। और उसके बाद ये इनको जो है कलम का जादूगर कहा जाता है, कलम का जादूगर राम वृक्ष बेनीपुरी जी को कहा जाता है। अब देखिए ये नोट बनाने से आपको काफ़ी फायदा होगा क्योंकि इससे जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। अब यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन आ सकती है बोर्ड एग्जाम में कि राम वृक्ष बेनीपुरी जी को क्या कहा जाता है, कलम का जादूगर, कलम का सिपाही, तो यहाँ पर आप टिक मार सकते हैं कि कलम का जादूगर कहा जाता है। अगला यहाँ पर पॉइंट है, मंगर एक हलवा था, मतलब जो हल चलाता था। अगला पॉइंट है, मंगर की पत्नी का नाम भकोलिया था, मंगर की पत्नी का नाम भकोलिया था, जिसको हम लोग अर्धांगनी भी कहते हैं, पत्नी को अर्धांगनी। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, मंगर की अर्धांगनी का नाम क्या था, तो वहाँ पे ऑप्शन में रह सकता है भकोलिया, तो भकोलिया राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे पॉइंट देखते हैं, सॉरी ये जो पॉइंट है क्या है, मंगर स्वभाव से स्वाभिमानी था। अगला पॉइंट है हमारे यहाँ पे, राम वृक्ष बेनीपुरी जी का पढ़ाई मैट्रिक तक हुई थी। अब देखिए वो जो है टोटल मैट्रिक तक यानी क्लास 10 तक पढ़े ही थे, लेकिन अभी जो है उनका जो ये रचना जो है, ये पार्ट जो है अभी आप लोग क्लास 12th में पढ़ रहे हैं, तो इस काबिल बनिएगी इस टाइप से देखें, मतलब जो आदमी जो खुद ही क्लास 10th तक पढ़ा हो वो उनका जो है लिखा हुआ आज क्लास 12th में पढ़ना पड़ रहा है, तो ये भी एक मतलब बहुत ही गजब की बात है। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं राम वृक्ष बेनीपुरी जी की रचना, ये क्या है उनकी रचना जो है, दो हम लोग देख लेते हैं, ये इस पाठ में चर्चा किया गया है जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे गेहूं और गुलाब, माटी और मूरतें, ये जो है इनकी रचना है, राम वृक्ष बेनीपुरी जी की रचना। अगला पॉइंट है हमारे यहाँ पे, राम वृक्ष बेनीपुरी जी अधिकांश साहित्य की रचना जेल के सलाखों के पीछे किया, क्योंकि वो जो है आज़ादी में भाग लेते थे और उसमें जो जंग होता था उसमें वो अंग्रेज शासक जो था वो कैद कर लेता था, उनके कारण जो है वो काफ़ी मतलब अपना जो भी रचना किए साहित्य की रचना वो अधिकांश जो है अपने सलाखों के पीछे यानी जेल में ही किए थे। तो ये हो गई पॉइंट। और उनका जन्म हुआ था कब, 1902 ईस्वी में, कहाँ हुआ था, मुंगेर जिला में। तो अगला पॉइंट है हमारे यहाँ पे, मंगर बैल को महादेव समझता था, मंगर जो है बैल को महादेव समझता था। अगर मंगर को 1.5 रोटी मिलता था तो वो जो है आधा रोटी को 2 टुकड़ा में डिवाइड करके और जो है अपने दोनों बैल को खिलाता था, क्योंकि वो मंगर जो है महादेव को ये अपने बैल को महादेव समझता था, मतलब महादेव अगर भूखा रहे और मंगर खुद खाए वो उसको अच्छा नहीं लगता था, तो इसलिए जो है मंगर बैल को महादेव समझता था और अपना जो रोटी था वो महादेव को खिला देता था, बैल को खिला देता था। अगला पॉइंट है हमारे यहाँ पे, पॉइंट तो ख़त्म हो गई लेकिन हम लोग अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे डबल स्टार ये पहला क्वेश्चन है, ये क्या है, मंगर का लेखक कौन है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी राम वृक्ष बेनीपुरी जी, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, राम वृक्ष बेनीपुरी की कौन सी रचना है,
तो यहाँ पे राइट आंसर हो गई मंगर, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो गई। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे, यहाँ पे डबल स्टार है, कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? तो कलम का जादूगर रामवृष बेनीपुरी जी को कहा जाता है, ऑप्शन ए यहाँ राइट हो गया। सर अगला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे, पहले देख लीजिए, नोट देख लीजिए, कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? रामवृष बेनीपुरी जी को, और कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? प्रेमचंद्र को। तो ये जो है आपको, ये मुंशी प्रेमचंद्र जी को कलम का सिपाही कहा जाता है और कलम का जादूगर रामवृष बेनीपुरी जी को कहा जाता है, ये अच्छे से याद रख लीजिए। एक क्वेश्चन इस दोनों में से एक क्वेश्चन हर बार बोर्ड एग्जाम में आता ही है, तो अच्छे से याद कर लीजिए। चौथा क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, रामवृष बेनीपुरी का जन्म कब हुआ था? 1902 ईस्वी में, आज़ादी से पहले 1902 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। पांचवा क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे, मंगर कौन था? मंगर एक हलवा था जो हल चलाता था। अगला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे, छः नंबर क्वेश्चन है, रामवृष बेनीपुरी का जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म जो है मुंगेर जिला में हुआ था, कब हुआ था? 1902 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मंगर की अर्धांगनी यानी पत्नी का नाम क्या था? तो आंसर हो जाएगा भकोलिया। क्या चीज़? भगोलिया। रिलेटेड ही आंसर रहेगा, सो आप लोग घबराइए मत, आराम से जो है इसका आंसर सही से याद करिए, मंगर की अर्धांगिनी का नाम भगोलिया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पे यहाँ पे, आठ नंबर क्वेश्चन है, ये क्या है, मंगर किस स्वभाव का था? मंगर जो है स्वाभिमानी स्वभाव का था, ऑप्शन सी राइट हो जाएगी। चलिए नाइन नंबर क्वेश्चन देखते हैं, रूठे मंगर को मनाने लेखक के कौन गए थे? लेखक के कौन गए थे? लेखक के पिताजी यानी यहाँ पे रामवृष बेनीपुरी जी जो थे उनके पिताजी गए थे। अगला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे 10 नंबर, ये क्या है, नोट यहाँ पे बनाया हुआ है एक्चुअल तरीके से, रूठे मंगर को मनाने कौन गए थे? लेखक के चाचा। यहाँ पे क्या था, रूठे मंगर को यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा चाचा, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगी। रूठे मंगर को मनाने लेखक के कौन गए थे? उनके चाचा गए थे, रामवृष बेनीपुरी जी के चाचा गए थे। उसके बाद अगला यहाँ पे 11 नंबर पॉइंट है, रामवृष बेनीपुरी की पढ़ाई किस वर्ग तक हुई थी? तो मैट्रिक तक यानी क्लास 10 तक हुई थी। उसके बाद 12 नंबर पॉइंट डबल स्टार है, याद कर ही लीजिएगा, रामवृष बेनीपुरी ने किस पत्रिका का संपादन नहीं किया था? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बिहार बंधु। बाकी सभी जो है हिमालय, तरुण भारत और युवक, इनकी जो संपादन जो है रामवृष बेनीपुरी जी ने किया था। उसके बाद अगला है यहाँ पे पॉइंट 13 नंबर, गेहूं और गुलाब किसकी रचना है? तो रामवृष बेनीपुरी जी की। और यहाँ पे जैसे कि आपको ऊपर में भी बताया थे कि ये जो रचना है गेहूं और गुलाब और माटी और मूरतें, रामवृष बेनीपुरी की रचना है, तो इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकती है। चलिए हम लोग समरी को देख लेते हैं। सबसे पहले बात आप यहाँ पे देखिए, हम लोग समरी इस टाइप से पढ़ेंगे कि बोर्ड एग्जाम में हम लोग कैसे लिख पाए। आप जो बोर्ड एग्जाम देंगे, जब बिहार बोर्ड या फिर जो भी बोर्ड से आप हैं, तो उस बोर्ड में जब आप बोर्ड एग्जाम देंगे तो वहाँ पे आपको किस टाइप से लिखना है कि ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिले। अब क्वेश्चन इस प्रकार रह सकती है, अगर समरी लिखने को बोला जाएगा तो क्वेश्चन क्या रह सकती है, मंगर शीर्षक शब्द चित्र का सारांश लिखे, या फिर ये भी रह सकती है, मंगर शीर्षक शब्द चित्र का भावार्थ प्रस्तुत करें, या फिर मंगर का सारांश लिखे, इस टाइप से भी रह सकता है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे वही वही पॉइंट, और बाकी जो एक्स्ट्रा पॉइंट है हम लोग उसको छोड़ देंगे। तो यहाँ पे अच्छे से आप लोग देखिए, अगर ये आप अगर समरी देख लेते हो तो आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने का दरकार नहीं है इस चैप्टर में। चलिए स्टार्ट करते हैं, रामवृष बेनीपुरी कलम के जादूगर कहे जाते हैं। रामवृष बेनीपुरी जी को कलम का जादूगर कहा जाता है क्योंकि वो जो है इतने अच्छे से कलम, मतलब इतने अच्छे से कोई भी शब्द को इतने अच्छे से व्यक्त करते हैं, कोई भी सेंटेंस को, कि मतलब उसका रूबरू हो जाता है। तो यहाँ पे जो है वो जो है कलम के जादूगर कहा जाता है। अगला है, देश की आज़ादी के लिए संघर्ष करते हुए 14 बार जेल जाने वाले हुए प्रथम पत्रकार थे। वो जो है पत्रकार थे, और जो है जैसे कि वो आपको पता होगा कि उनका जन्म जो है 1902 ईस्वी में हुआ था, मतलब आज़ादी से पहले। अब जो है यहाँ पे आज़ादी के लिए संघर्ष करते हुए 14 बार जेल जाने वाले, वो जो है 14 बार जेल जा चुके थे। साहित्य भी उन्हें कम नहीं लिखा, साहित्य भी उन्होंने कम नहीं लिखा, बहुत सारे साहित्य भी लिखे जो कि सलाखों के पीछे मतलब जेल में लिखे थे। समाजवाद का भी कम असर उन पर ना था। मंगर बेनीपुरी जी का एक जीता जागता शब्द चित्र है। मंगर जो है बेनीपुरी जी के द्वारा लिखा गया है, शब्दों से खींचा गया चित्र है। मंगर एक कृषक मजदूर था, हट्टा कट्ठा शरीर, कमर में भगवा, कंधे पर हल, हाथ में पैना, आगे आगे बैलों की जोरा, अपनी आवाज़ के हल
हाथ से ही बैलों को भगाता जाता खेतों की ओर सुबह सुबह। मंगर स्वाभिमानी था, मंगर का स्वाभिमान गरीबों का स्वाभिमान था। मंगर ने किसी की बात की कभी बर्दाश्त नहीं की और शायद अपने से बड़े बड़ा किसी को मान से माना भी नहीं। अब जो है मंगर जो है उनके यहाँ मजदूरी करता था, वो एक हलवा था और वो कृषक भी था, किसान था। वो जो है हल लेके चलता था सुबह सुबह अपने बैलों को लेके खेत की ओर चलता था। आगे आगे दोनों बैल रहता था, पीछे पीछे मंगर रहता था। उसके बाद अगला जो है हमारे यहाँ पे आगे क्या हम लोग लिख सकते हैं, देखिए एग्ज़ाम से ओरिएंटेड है ये। हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग एग्ज़ाम में क्या याद रहेगा। मंगर का यह हट्टा कट्टा शरीर और उसके अधिक उसमें सख्त कमाऊपन था जिसमें ईमानदारी के चार चांद लगा दिए थे। जितनी देर में लोग का हल 10 कट्ठा जोतता, मंगर 15 कट्ठा जोत लेता था। और वह भी ऐसा महीन जोतता था कि पहली चास में ही सिराऊ मिलना मुश्किल। अब यहाँ पे जो है मंगर के बारे में लिखा गया है कि उनका विशेषता के बारे में चर्चा किया गया था कि जब कोई और भी कोई हलवा रहता था, अगर वो हल चलाता था, जितना देर में वो 10 कट्ठा जोतता था, उतना देर में मंगर जो है टोटल 15 कट्ठा जोत लेता था। तो ये अनुमान बताया गया है। उसके बाद आगे क्या है, आगे हम लोग देख लेते हैं। मंगर की अर्धांगिनी का नाम भकोलिया था, यानी उसके पत्नी का नाम भकोलिया था। मंगर को डेढ़ रोटी खाने को मिलता था तो आधी रोटी को दो टुकड़ा करके दोनों बैलों को खिला देता था। जैसे कि आपको ऊपर भी बताए थे कि मंगर जो है अगर उसके पास अगर डेढ़ रोटी मिलती थी तो वो जो है इस आधे रोटी को दो टुकड़ा में डिवाइड करके और दो अपने दोनों बैलों को खिला देता था और खुद जो है ये एक रोटी खाता था। उसके बाद महादेव मुंह ताके और वह खाए, यह कैसे होगा। वो जो है बैल को महादेव मानता था और अगर महादेव खुद ही अगर मुंह देखे तो और वह खाए तो ये कैसे होगा, ये मंगर को अच्छा नहीं लगता था। इसलिए जो है मंगर अपना रोटी महादेव यानी बैल को खिलाता था। आगे है, मंगर के लिए यह बैल नहीं साक्षात महादेव था। मंगर का स्वभाव रूखा और बैलौसा रहा है, किसी से लल्लो झप्पो नहीं, मतलब यहाँ पे किसी से लफड़ा नहीं, आप ये लिख सकते हैं एग्ज़ाम में, दो टुक बातें चौटुक व्यवहार। यहाँ पे कम बात करता था लेकिन काम की बात वो ज़्यादा करता था, आप ऐसे लिख सकते हैं इसके जगह पे। मंगर बैनीपुरी जी का बड़ा, मंगर जो है बैनीपुरी जी को बहुत ही प्यार करता था। मंगर कपड़ा भी कम पहनता था, हमेशा कमर में भगवा ही लपेटे रहता। मंगर की खूबसूरत शरीर मिला था, काला कलूटा फिर भी खूबसूरत। यह एक संपूर्ण सुविकसित मानव पुतले का उत्कृष्ट नमूना था। अब यहाँ पे जो है आगे क्या है, लगातार की मेहनत ने उसकी मांसपेशियों को स्वाभाविक ढंग से उखाड़ रखा था। बहुत ही अच्छा दिखता था, काला कलूटा था फिर भी बहुत ही खूबसूरत था। और वो जो इतना काम करता था कि उसका मांसपेशियाँ भी है काफ़ी अच्छे से ढंग से उभर आया था। उसके बाद आगे क्या है, ये सब लाइन जो है आपको याद नहीं होने वाली है और अगर याद हो जाती है तो काफ़ी बेटर है, वरना आप लोग इसको स्किप कर सकते हैं। आगे जो है, बुढ़ापे के लिए उसने कभी बचत नहीं की, कोई संतान भी नहीं जो बुढ़ापे में उसकी लाठी का सहारा बनता। उसकी बेलोसी बोली के कारण कोई भी उसे दया भी नहीं करता। तो वो जो है काफ़ी, मतलब एक अलग ही टाइप का बोली बोलता था जिससे जो है लोग उसको पसंद नहीं करते थे। यहाँ पे जो है बुढ़ापे में उसकी अर्धांगिनी भकोलिया के ने साथ दिया। बुढ़ापे में जब था ये जब आया मंगर, तब उसकी अर्धांगिनी उसकी पत्नी भकोलिया जी थी, वो उसका साथ दिया। मंगर भकोलिया की आदर्श जोड़ी थी, मतलब वो दोनों जो है एक साथ में काफ़ी अच्छे लगते थे। भकोलिया का रंग जामुनी काला था, उसका स्वभाव भी मंगर से मेल खाता था। स्वभाव जो है दोनों का मिलता जुलता ही काफ़ी था। भकोलिया मंगर की पूरी ईमानदारी से सेवा करती थी। अब मंगर को अर्धांग मर गया। अब यहाँ पे देखिए ये सब लाइन बकवास है, बस आप इतना समझ लीजिए कि मंगर की अर्धांगिनी भी एक मर गया और मंगर जो है एक दिन किसी कारणवश उसका निधन हो गया। यहाँ पे है, अच्छे लोगों को भगवान, लास्ट में आप जरूर ये बात लिख दीजिएगा, अच्छे लोगों को भगवान भी जल्दी ही उठा लेते हैं। बैनीपुरी की यह शब्द चित्र अत्यंत चुस्त दुरुस्त और प्रभावशाली बन पड़ा है। सच ही बैनीपुरी जी कलम का जादूगर थे, ये लाइन तो आप बिल्कुल लिख दीजिए, सच ही बैनीपुरी जी कलम के जादूगर थे।
और यहाँ पे ख़त्म होती है ये चैप्टर। बाकी जो है हम लोग यहाँ पे लाने वाले हैं अगला चैप्टर, जिसका नाम है कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर और ठेठरता व गणतंत्र। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस वीडियो को देख सकें। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए बाय।